7 अप्रैल को अस्थायी जेल से जमानत पर छूटे एक युवक ने शौचालय साफ न करने पर अस्थायी जेल के दो सिपाहियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। युवक के शरीर पर आए चोट के निशान उसके साथ हुई बेरहमी की दास्तान बयान करते हैं। युवक की पिटाई के मामले में प्रभारी डीएम ने संज्ञान लेते हुए एडीएम से मामले की जांच कराई। जांच में युवक के साथ मारपीट होने की पुष्टि पर प्रभारी डीएम ने अस्थायी जेल में तैनात हेड जेल वार्डन व जेल वार्डन के खिलाफ डीजी जेल को रिपोर्ट भेजकर सख्त कार्रवाई की संतुति की। वहीं शुक्रवार देर शाम दोनों जेल वार्डन को निलंबित कर दिया गया। प्रभारी डीएम ने कहा, मामले में डीजी जेल से कठोर कार्रवाई की संतुति की गई। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हिरण नगर के रहने वाले ज्ञानु शुक्ला के खिलाफ सड़क हादसे से जुड़े मामले में कोर्ट से वारंट जारी होने पर सदर कोतवाली पुलिस ने ज्ञानु को 2 अप्रैल को हिरासत में लेकर बक्खा खेड़ा में बनाई गई अस्थायी जेल भेज दिया, जहां ज्ञानु से अस्थायी जेल में तैनात जिला कारागार के हेड जेल वार्डन राम नरेश भार्गव व जेल वार्डन पृथ्वी राज ने शौचालय साफ करने का दबाव बनाया, जिसे इनकार करने पर ज्ञानु को दोनों ने लात घूस और बेल्ट से जमकर मारा पीटा। 6 अप्रैल को कोर्ट से ज्ञानु की जमानत मंजूर होने पर परिजन उसे लेकर घर पहुंचे, जहां दर्द से करा रहे युवक ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजन ने 7 अप्रैल को युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की बहन ममता द्विवेदी ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर अस्थायी जेल में भाई के साथ मारपीट होने का आरोप लगाते हुए अस्थायी जेल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रभारी डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए एडीएम प्रशासन राकेश सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच कर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की। एडीएम ने जांच टीम के साथ अस्थायी जेल पहुंचकर मामले की जांच की। शुक्रवार एडीएम ने प्रभारी डीएम को जांच रिपोर्ट दी, जिसमें हेड जेल वार्डन राम नरेश भार्गव जेल वार्डन पृथ्वी राज के द्वारा युवक के साथ मारपीट किए जाने के आरोप को सही पाया। रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी डीएम ने डीजी जेल को हेड जेल वार्डन राम नरेश भार्गव व जेल वार्डन पृथ्वीराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संतुति भेजी। वहीं देर शाम दोनों को डीजी जेल ने सस्पेंड कर दिया। जो ये संपूर्ण प्रकरण है, इसकी जांच अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व महोदय से कराई गई। जांच में 2 जेल वर्कर जो हैं वो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा संस्तुति की गई है। यही कार्रवाई अभी तक इसमें हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।